अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। दोस्तों, जब से लॉकडाउन लगा है तब से शराब के ठेके बंद हैं, क्योंकि शराब के ठेकों के लिए कोई भी गाइडलाइन सामने निकल कर नहीं आ रही थी कि क्या शराब के ठेके खुलेंगे। हालांकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, शराब के ठेके पिछले 19 दिनों से बंद हैं जब से लॉकडाउन हरियाणा में लगा हुआ है, और शराब के जो ठेकेदार हैं उनको भी काफ़ी नुकसान हो रहा था। और पिछले दिनों हमने ये भी देखा था कि जो शराब की तस्करी है वो किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही थी। हालांकि लगातार जो पुलिस प्रशासन है छापेमार कार्रवाई करी थी, जिसके बाद कई शराब तस्करों को पकड़ा भी गया था। जिला करनाल की बात करूं तो यहां पर भी 50 से ज़्यादा केसेस ऐसे आए थे जो कि शराब तस्करी से जुड़े हुए थे। अवैध शराब को बेचने का, उनकी तस्करी करने का काम शुरू हो रहा था, और कहीं ना कहीं सरकार को भी ये बात मालूम थी कि लोग रुकेंगे नहीं। जिन लोगों ने शराब का सेवन करना है वो लोग भी करेंगे, जो शराब तस्कर है वो शराब को अवैध तरीके से बेचेंगे भी, इधर से उधर ले जाने का काम भी करेंगे। जिसको लेकर अब लॉकडाउन 4.0 में एक्साइज डिपार्टमेंट का एक नोटिस जारी हुआ है, एक ऑर्डर जारी हुआ है। वो ऑर्डर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। हालांकि ये ऑर्डर दूसरे ऑर्डर के साथ आ सकता था, लेकिन ये ऑर्डर अलग से आया है, जिसके तहत ये इस बार राहत शराब के ठेकों को भी दी गई है कि इस बार जो लॉकडाउन 4.0 है इसमें शराब के ठेके खुल सकेंगे। लेकिन बड़ी जानकारी मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि जो ठेके स्टैंड अलोन हैं, यानी कि इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के महात्मा गांधी चौक के नज़दीक लगते इस शराब के ठेके के पास, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक स्टैंड अलोन ठेका है, यानी कि ये मार्केट के बीचों बीच ये ठेका नहीं आता। और जो भी दुकानें, चाहे वो ठेका हो, अलग कोई दुकान हो जो मार्केट के बीच में नहीं आती, जो एक अलग जगह पर होती है, उस दुकान को, उस स्टैंड अलोन ठेके की अगर मैं बात करूं, उसको खोलने का जो समय है वो करनाल के हालांकि डीसी निर्धारित करेंगे, लेकिन नोटिस के अकॉर्डिंग जो टाइम स्टैंड अलोन दुकानों के लिए आया था वो ये आया था कि जब तक नाइट कर्फ्यू नहीं लगता, पूरे दिन की जानकारी थी। लेकिन शराब के ठेकों का जो नोटिस इस वक्त मेरे हाथ में है, इसमें ये जानकारी दी गई है कि जो स्टैंड अलोन जो ठेके हैं और जो तमाम ठेके हैं उनको खोलने की क्या कुछ टाइमिंग्स रहेंगी वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में है, यानी कि जो करनाल के डीसी हैं वो निर्धारित करेंगे कि करनाल ज़िले में जो ठेके हैं उनके खोलने का टाइमिंग क्या रहेगा। और आप देख सकते हैं स्टैंड अलोन ठेका है, आज से ये ठेका खुल चुका है। पिछले 19 दिनों से ये जो तमाम ठेके हैं ये बंद पड़े थे। और सबसे बड़ी बात, शराब तस्करी की जो तमाम जो लोग हैं वो पकड़े जा रहे थे, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी छापेमार कार्रवाई हो रही थी, और बहुत जगह तो ये भी देखा गया था कि ठेकों के शटर तक बंद थे, लेकिन शटर के नीचे से भी शराब सप्लाई हो रही थी, शराब की बोतलें तक बेची जा रही थी। अब बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने लाइसेंस लिए हुए थे, जो ठेकेदार हैं, जिन लोगों का ठेका होता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर चलता है, उस लाइसेंस को 19 दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, 19 दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब कि जो 19 दिन जिन दिनों में लॉकडाउन के कारण ये ठेके बंद पड़े थे, अब उस लाइसेंस को 19 दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि अगर इनका ठेका एक साल का होता है तो एक साल प्लस 19 दिन ये ठेका अब रहने वाला है, यानी कि ये उन ठेकेदारों को राहत है, उन ठेके वालों को राहत है जिनको लग रहा था कि 19 दिन उनका नुकसान हुआ है, उनको वो नुकसान अब नहीं भरना पड़ेगा, उनके लिए ये नुकसान नहीं है, क्योंकि उनका लाइसेंस अब 19 दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। हालांकि पिछले साल की मैं लॉकडाउन की बात करूं 2020 की, तो शराब के ठेकेदारों को भारी नुकसान हुआ था। ये जो ऑर्डर है अब इस वजह से आया, क्योंकि सरकार को भी कहीं ना कहीं रिवेन्यू में कमी आती है, सरकार को टैक्स नहीं जाता, जिस वजह से सरकार को भी भारी घाटे का सामना करना पड़ता है। इसी कारण से इस बार लॉकडाउन 4.0 में हरियाणा में दुकानदारों को भी राहत दी गई है कुछ समय के लिए, हालांकि 7 से 12 ऑड इवन के हिसाब से, और शराब के ठेकों को भी खुलने की अब राहत दे दी गई है। हालांकि जो स्टैंड अलोन ठेके हैं वो पूरे दिन के लिए खोल सकेंगे, हालांकि इनका समय क्या निर्धारित होगा, क्या वो शाम 6 बजे तक होगा या फिर रात को 10 बजे तक, क्योंकि अगर
अगर मैं नाइट कर्फ्यू की बात करूं तो वो 10 बजे तक, 10 बजे शुरू होता है, 10 से सुबह 5 बजे तक। लेकिन अगर जो ठेके मार्केट के बीच में है, जो ऑड इवन के हिसाब से खुलने हैं, उनके लिए मैं आपको बताना चाहती हूं कि ठेकेदार कहीं ना कहीं परेशान ज़रूर है, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे पास कमाई इतनी नहीं होगी जितना हमारा खर्चा हो जाएगा, क्योंकि एक दिन अगर उनका ठेका मार्केट के बीच में, एक दिन उनका ठेका बंद रहेगा, जिसकी वजह से उनको नुकसान ज़रूर होगा। आप देख सकते हैं ये स्टैंड अलोन ठेका। एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ ये कहना चाहेंगे, क्योंकि आज काफ़ी दिनों के बाद ठेके खुले हैं। सर क्या नाम है आपका? बलवान सिंह है। यहीं पर बैठते हैं आप? हाँ। क्या कहना चाहेंगे सर, 19 दिनों बाद ठेके खुले हैं, टाइमिंग्स को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? टाइम का फिलहाल जी माल का ना पता जी, फिलहाल तुम्हारा ऑर्डर ही है, अभी खोल लो दुकान। अभी आपके पास सिर्फ ये ऑर्डर है कि आप खोल सकते हैं? हाँ, माल का है जो ऑफिस है हमारा आईटी, अभी तो यही है। सर ठेकेदार ये भी कहना चाहते हैं तो पूरा खोल दो, या फिर ठेकेदार, हालांकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये भी बोल रहे हैं कि या तो पूरा खोल दो या फिर सभी को बंद कर दो, क्योंकि जो स्टैंड अलोन ठेके हैं वो तो फिर भी खुल जाएंगे, उनको फिर भी कमाई हो जाएगी, लेकिन जो ठेके मार्केट के बीचों बीच हैं, जो ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगे, उनको काफ़ी भारी नुकसान होगा। ठेकेदारों का ये भी कहना है कि 7 से 12 अगर हमारे ठेके खुलते हैं, यानी कि 12 बजे उनको ठेके बंद करने पड़ेंगे, जिनके ठेके मार्केट के बीच में, मैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो कस्टमर आते हैं शराब लेने, वो शाम के समय में ज़्यादा आते थे, लोग काम से आने के बाद शराब खरीदते थे, लेकिन अब अगर 12 बजे उनके ठेके बंद हो जाएंगे, कुछ चंद घंटों के लिए उनके ठेके खुलेंगे, तो उनको भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आप सभी लोगों से अपील रहेगी जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, आने वाले समय में ये बात पता चलेगी, आज ही बल्कि ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि जो ठेके हैं स्टैंड अलोन के ठेकों के लिए, स्टैंड अलोन दुकानों के लिए क्या कुछ समय जो करनाल के DCM निर्धारित करते हैं। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।